स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपना सांझा पंजाब टीवी ते मैं भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों जिदा मैं तुहाडा स्वागत किया हैगा इदा ही गुरमीत राम रहीम सौदा साध दे समर्थक स्वागत कर रहे ने कि बाबा जी आओ असी तुहाडा स्वागत करदे आ। मैं बाबा जी लफ्ज़ बोलिया वो ते धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी कहिंदे ने कि बाबा जी असी तुहाडा स्वागत करदे सीगे। सतगुरु जी सानू बहुत खुशी हुई है कि तुसी वापस आ गए हो। कित्थों वापस आए ने भला जी? सुनारिया जेल के अंदर बंद गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 30 दिन की पैरोल पर है। एक महीने की पैरोल मिल चुकी है जी, पहला भी पैरोल मिल चुकी है, उदो भी इलैक्शन सके पंजाब दे विच। सो हुण दोबारा फिर इलैक्शन है, संगरूर जिमनी चोण होने जा रही है और आने समय दे विच हरियाणे दे विच भी चोणा होनी ने। सो चोणा तो पहला जां चोणा दे दरमियान जदों इन्हां नूं इन्हां नूं पैरोल मिलती हैगी तां उस वेले फिर लोगों के मनां विच सवाल आने सुभाविक ने कि सरकार आखिर किते इस मकसद के लिए तो नहीं उन्होंने वरतना चाहती कि भाई जी तुसी जाओ बाहर, तुहाडे समर्थक बहुत हैगे ने हाले भी, भावें कि तुहाडे उत्ते जबर जनाह का केस चलता पिया, तुहाडे उत्ते कतल का केस चलता पिया, होर भी बहुत सारे केस पेंडिंग हैगे ने, पर बावजूद ये बहुत सारे लोग इदां दे हैगे ने जिहड़े तुहाडे समर्थक ने जिहड़े तुहाडे के इशारे दे उपर सानू वोट भी पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इदां दे ख्याल आते हैं कि सरकार अपने निजी हितों के वास्ते सौदा साध नूं वरत रही है। सो 30 दिनों की पैरोल के उपर आए हुए गुरमीत राम रहीम ने जिहड़े अपने समर्थक ने उन्होंने एक खास हदायत भी दिती है। जिहड़ी वह खास हदायत दिती है वह आपां तुहानूं इन्हां दी जुबानी भी सुणावांगे कि इन्हां ने खास हदायत अपने सेवकां नूं की दिती है। एक गल आपां जरूर करनी चाहांगे कि जिहड़े इन्हां दे समर्थक ने वह अज भी बाहां खिलार के इदां उड़ीक रहे हुंदे आ, और जदों कि नवें नवें जेल गए सके उदों भी उड़ीकदे हुंदे सीगे कि बाबा जी तुसीं छेती बाहर आ जाओ। तुसी बहुत सारे लोगों के मूहों उदों सुनिया होगा, खास करके बीबिया के मूहों, कि साडे बाबा जी वह गीतों के रूप में भी गाउंदियां हुंदियां सीगियां कि साडे बाबा जी जेल के अंदर कैदियों नूं तारन वास्ते गए हुए ने। और आपां पहले ही बहुत बार गल की है कि उन्होंने लगता सेवकों नूं कि बाबा जी जेल में कैदियों नूं तारन वास्ते गए हुए ने, पर बाबा जी तो जेल के विचों कई बार कोर्ट में अपील ला चुके हैं कि भाई मैनू बाहर जमानत भेज दिता जाए या मैनू पैरोल के उपर भेज दिता जाए। सो वह तो जेल के अंदर रहना नहीं चाहते, पर सेवकों का बार बार ये कहना हैगा कि नहीं, सतगुरु जी जेल में कैदियों को तारन वास्ते गए हुए हैं जदों कि वह जेल में रहना नहीं चाहते। सो इदां दी गलबात हैगी आ। आपां उदों भी कई बार गल आखी है कि लोगों इस गल नूं समझना चाहिए हैगा। और जिहड़ी एक होर खास गल जिहड़ी वो ये है कि गुरमीत राम रहीम, मैं तुहानूं वीडियो लागे करके विखाऊंगा, तुसीं सुणियो वेखियो किदां मुस्कुरा रहे ने। हालांकि जिहड़े इंसाफ पसंद लोग हैगे ने जिन्हां नूं इस गल का पता है कि वह केस दे विच सज़ा कट रहे ने, जिन्हां दे अंदर माड़ा मोटा भी कुछ जागदा हैगा ते बंदे नूं इह तां समझ हुंदी आ ना कि मैं केस दोष दे तहत सज़ा कट रहा हैगा। वो जिहड़ा दोष हैगा जबर जनाह। हुण पिंडां दीआं बहुत सारीआं बीबियां जिहड़ियां डेरे दीआं समर्थकां हुंदियां ने, जिहड़ियां देहधारी गुरुआं दे चरणी लगियां हुंदियां ने, हो सकदा उहनां विच्चों बहुत सारीआं इदां दीआं होण जिन्हां नूं जबर जनाह दा मतलब ना पता होवे। सो मैं एक वारी साफ जिहा करके उहनां नूं दस दिंदा, जबर जनाह का मतलब हुंदा जी बलात्कार। बलात्कार किसी औरत दे नाल जबरदस्ती उहदा बलात्कारना, उहदे नाल नजायज संबंध बनाउणे, ये है। और कतल का मतलब तो मैनूं लगदा कि जरूर हरेक बीबी नूं पता ही होगा, कतल का मतलब हुंदा है किसी नूं जानों मार देना। सो जबरदस्ती औरतां दे नाल बलात्कार करन दा, उहनां दे नाल शरीरक संबंध बनाउण दा ते कतल करन दा दोष है जी गुरमीत राम रहीम दे उपर, जिहदे तहत उह जेल दे विच सज़ा कट रहा। और इस गल दा जमा ही कोई अफसोस नहीं है गुरमीत राम रहीम नूं कि मैं किस दोष दे तहत सज़ा कट रहा हैगा। आ नहीं, मैं तुहानूं लागे करके वीडियो दिखा दिंदा, तुसीं देखो मुस्कुरा भी रहे ने और अपने समर्थकों नूं कह रहे हैं कि तुसीं भाई जिदा पहला मैं तुहानूं 10 चिट्ठियां भेजियां सीगियां, तुसीं 10 दियां 10वीं चिट्ठियां पढ़िया भी ने और तुसीं बहुत सारा प्यार दिता हैगा। इदां ही तुसीं मेरा कहना उदों भी मन्निया सीगा, हुण भी तुसीं मेरा कहना मन्नियो जरूर। राशन ना पायो, रौला ना पायो, कानून अपने हाथ में ना लियो, प्रशासन का कहना भी तुसी जरूर मन्नियो। इदा मुस्कुरा भी रहे ने, इदा हदायत जारी कर रहे हैं। इस तो अलावा सिख भाईचारे के मन में बहुत ही ज़्यादा सरकारां दे प्रति गुस्सा भी हैगा, एक रोस भी है कि गुरमीत राम रहीम जिन्हों तुसी आपदे भाई निजी हितों वास्ते वरत लेंदे हो, सरकार नूं कह रहे हैं, सिख सरकार नूं कह रहे हैं तुसी जिन्हों निजी हितों वास्ते वरतना हुंदा है उन्हां नूं तुसी पैरोल भी दिंदे हो, उन्हां नूं तुसी पैरोल भी दिंदे हो, पर दूए बन्ने बंदी सिंह जिहड़े वख-वख केसों दे विच जेलां दीआं चार दीवारियां दे अंदर, वो कोई जबर जनाह दे केस नहीं हैगे, वो केस हैगे ने उन्हां दे पंजाब दे हक्कां दी खातर उन्होंने जो संघर्ष किया होया, पंजाब दी आबो हवा
जो सिखां दी नसलकुशी हो रही सी उहनूं रोकण दे वास्ते उन्होंने जिहड़ी जद्दोजहद की हुई है वह केस ने उन्होंने उपर सो उन्हां केसां दे विच जिहड़ी बनदी सज़ा सी उन्होंने भुगत चुकी है। सज़ावां पूरियां हो चुकियां ने बावजूद इहदे उन्होंने तो जेलों में रिहा नहीं किया जा रहा जदों कि उन्होंने पक्की रिहाई होनी बनती है कानून के मुताबिक। सिखां इस गल के उपर इतराज़ है कि उन्होंने बहुतों तो एक दिन की पैरोल तक भी नहीं दी गई है। कई इदा के भी सिंह है जिन्होंने एक दिन की पैरोल तक भी नहीं मिली है और दूए बन्ने इस किस्म के केसों में घिरे हुए सौदा साध बार बार पैरोल दी जा रही है। सो सिख कौम इस गल का बेहद रोस ते गुस्सा भी हैगा सरकारां दे प्रति अदालतों दे प्रति भी। आ वीडियो तुहानूं लागे करके दिखा दिंदा सुणदे जायो जी। इन्होंने अपने सेवकां नूं एक खास जो हदायत जारी की है सुणदे जायो गल्लां बातां। प्यारे साध संगत जीओ, हम यूपी से बोल रहे हैं। आप सबको और आपके परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। आप बहुत देर से कहते थे कि गुरु जी कब आओगे। लो जी, राम जी ने सुन ली है, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने सुन ली है। हम आपकी सेवा में आपके सामने खड़े हैं, पर एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा हमारी बात मानी है। हमने आपको 10 चिट्ठियां भेजी और आपने बड़े प्यार से सुनी, पढ़ी, मानी। बैराग्य भी आया होगा, बड़ा अच्छा लगा कि आपने हर वचन माना। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारा वचन और हम आपसे अर्ज करते हैं मानना कि अपने अपने घरों में रहिएगा, सुमन करते रहें, काम धंधा करते भी सुमन करते रहें। एडम ब्लॉक के सेवादार या फिर वो जिन सेवादारों को आपके पास भेजेंगे तो उनके अनुसार आपने करना है। अपनी मनमर्जी से भागा दौड़ी नहीं करनी। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है, आशीर्वाद भी है और वचन भी है। और साईं जी से, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता से आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियां मांगते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आप खुश रहें, भगवान आपको खुशियां दे। वचन मानना, प्रशासन का भी साथ देना, जैसे वो चाहते हैं उसी तरह आपने करना है। पहले भी आपने करके दिखाया है, जब हम गुड़गांव आए थे आपने गजब कर दिया था, एक भी बंदा नहीं आया। तो इसी तरह ही अब भी मानना है। हाँ, आपके पास एडम ब्लॉक के सेवादार आएंगे या वो सेवादारों को भेजेंगे उनके साथ, तो उनकी बात मान के पूरा पूरा अमल करना है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद।